दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक खाद बीज और कीटनाशक की दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, अगर बात की जाए खाद बीज के विक्रय केंद्र की या खाद बीज और कीटनाशक के विक्रय के लिए जो आप दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो लोकेशन की है। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, उसके अनुसार ही आपको दुकान खोलनी चाहिए। अगर खाद बीज की बात की जाए तो खाद बीज किसानों से जुड़ा हुआ है सीधा, और आपको एक ऐसी जगह आपकी दुकान खोलनी चाहिए जहाँ पर किसानों से सीधा आवागमन हो, आपकी सीधी उनसे आपकी दुकान पे वो आ सके। मान लीजिए अगर आप किसी अर्बन एरिया के अंदर खाद बीज की दुकान करते हैं तो वहाँ पर आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि खाद बीज की दुकान किसानों के लिए होती है और किसान मोस्टली गांव में होते हैं। तो आपको या तो किसी गांव के नज़दीक दुकान करनी चाहिए, या फिर आपको जो खाद बीज की एक मार्केट होती है, अनाज मंडी जिसे कहते हैं, या फिर कोई अदर मार्केट जिसमें बहुत सी खाद बीज की दुकानें हों, वहाँ पर खाद बीज की दुकान करनी चाहिए। इससे जो आपके फार्मर हैं उनको पता चलेगा कि यहाँ पर खाद बीज की दुकान खुल चुकी है और वो आपके पास से आसानी से आ सकेंगे। दोस्तों, उसके बाद बात आती है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। अगर आप एक खाद बीज की दुकान करना चाहते हैं तो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी दुकान है, मेरे हिसाब से अगर आप एक नई खाद बीज की दुकान करना चाहते हो तो मिनिमम आपको 10 से 15 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी। उससे ज़्यादा आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बिजनेस में आप कितना भी पैसा लगा सकते हो। दोस्तों, 10-15 लाख की अगर बात की जाए तो दोस्तों अगर आप खाद बीज और कीटनाशक तीनों चीज़ों की आप शॉप करना चाहते हो तो इतने की मिनिमम मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत से प्रकार के कीटनाशक होते हैं, बहुत से प्रकार के बीज होते हैं और बहुत ही प्रकार की आपकी खाद होती है, वो आपको रखनी आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने आइटम पूरे नहीं रखे तो आपकी अगर नई दुकान है और आपके आइटम कम है आपके पास, तो आपकी दुकान शुरू में ही आपकी सेल कम हो जाएगी, आपके कस्टमर को ये नहीं पता चल पाएगा कि इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं और वो आपके पास लंबे समय तक नहीं आएंगे। दोस्तों, उसके बाद बात की जाती है माल की उपलब्धता, कि माल की कितनी उपलब्धता है मार्केट के अंदर। अगर कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो मार्केट में आसानी से नहीं मिलते, जिनकी शॉर्टेज रहती है। अगर खाद बीज की बात की जाए तो खाद बीज और कीटनाशक आपको मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। अगर हम एक खाद की बात करें तो खाद में सीजन पे कई बार शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन वो अब इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अनुसार अब जो पहले प्लेन यूरिया आता था और वो इंडस्ट्री में यूज होता था, तो उसको अब इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो अब आप ये नहीं मान सकते कि खाद बीज और कीटनाशक की मार्केट में शॉर्टेज होगी या आपको आसानी से नहीं मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद बात आती है प्रॉफिट की। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना समय देते हैं, प्रॉफिट के लिए देते हैं। दोस्तों, अगर प्रॉफिट की बात की जाए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं खाद बीज की और कीटनाशक विक्रय की दुकान करूंगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये सोच आपकी गलत है। एक जो सामान्य जो प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट इस बिज़नेस के अंदर है दोस्तों। क्योंकि अगर खाद की बात की जाए तो खाद के अंदर 2 से 3% तक ही प्रॉफिट होता है। कुछ हमारे जो भाई या हमारे दर्शक हैं जो खाद बीज की दुकान करना चाहते हैं, उनके मन के अंदर एक भ्रांति रहती है कि खाद के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। हमें लगभग 30 साल से इस धंधे में हैं, तो इस धंधे का जितना भी जो भी सच्चाई होगी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बात की जाए कीटनाशक विक्रय के अंदर जो प्रॉफिट है उसकी। दोस्तों, अगर कीटनाशक विक्रय के अंदर आप प्रॉफिट की बात करें तो आपको लगभग 5% तक का प्रॉफिट मिलेगा ब्रांडेड उत्पाद पर। जो ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5% का प्रॉफिट मिलेगा। आप ये मान के न चलें कि आपको 20 से 30% प्रॉफिट होगा। कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो लोकल कंपनीज हम जिनको कह सकते हैं, उनके अंदर 5% से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन 20 से 30% तक प्रॉफिट किसी भी कंपनी में नहीं होगा आपको। और मेरी शॉप के अंदर 90 से 95% ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरे को उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। मेरे हिसाब से उनके अंदर 5% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों। अगर बात की जाए सीड्स की,
सीड्स के अंदर कुछ इनके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन उनके अंदर उतनी ही जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है। आप किसी भी चीज़ का सीड बेचेंगे उसके अंदर दुकानदार की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी वालों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कंपनी वाले ने आपको बीज सेल कर दिया, अगर आप आगे फार्मर को बीज सेल करते हो तो उसके जर्मिनेशन से उसकी क्वालिटी तक और उसका कई बार बीज मिक्स निकल जाता है, या कई बार कुछ ऐसे बीज होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं जिनके अंदर बीमारियां नहीं लगती, लेकिन आजकल उनके अंदर भी कुछ बीमारियां आ जाती है। तो वो जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दुकानदार की होती है, तो उस वो आप अपने हिसाब से पहले डिसाइड करें कि वो आप अगर आप वेजिटेबल का सीड बेच रहे हैं, ज़्यादा वेजिटेबल के अंदर शिकायत आती है, तो आप उसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको उनकी जो हमारे फार्मर हैं उनकी शिकायतों का निवारण भी आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद बात आती है, अगर आप खाद बीज की दुकान करना चाहते हो तो आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। दोस्तों इस विषय में सबकी अलग अलग, मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखे हैं, बहुत से हमारे यूट्यूब के साथी ऐसे हैं जिनको इस विषय पर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पूरी लंबी चौड़ी वीडियो बना के डाल रखी है। दोस्तों अगर बात की जाए पहले के समय की, तो पहले के समय में एजुकेशन से संबंधित कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके अनुसार मिनिमम अगर आप बीज का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 या +2 हो सकती है, वो नॉमिनल होता है, सभी के पास मिल जाएगी आज के समय में। अगर आप दोस्तों खाद की और कीटनाशक की दुकान करना चाहते हैं तो आपको या तो BSc एग्रीकल्चर पास होना पड़ेगा, या फिर आपको BSc विद केमिस्ट्री, जिसके अंदर केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, इन दोनों में से एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप खाद और अपना कीटनाशक की दुकान कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ YouTube पे मैंने वीडियो देखा था, हमारे कुछ यूट्यूबर के हैं जो हमारे YouTube के साथी हैं, वो कहते हैं कि 1 साल का डिप्लोमा कर लीजिए आप उससे खाद बीज की दुकान कर सकते हैं, 6 महीने का कर लीजिए, 3 महीने का कर लीजिए। दोस्तों फिलहाल इस प्रकार का कोई भी डिप्लोमा इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं निकाला है। दोस्तों इसके बाद एक डिप्लोमा है DSC का, 1 साल का है, वो पुराने डीलरों के लिए है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स, इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों वो डिप्लोमा ये नहीं है कि वो डिप्लोमा करने के बाद आप खाद और अपना कीटनाशक की दुकान खोल सकते हो, वो डिप्लोमा केवल जो पुराने साथी हैं, हमारे जो पुराने दुकान वाले हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए हैं, जिनके पास BSc एग्रीकल्चर नहीं थी उस समय में और उनकी दुकानों को खोले हुए काफ़ी समय हो गया, ये डिप्लोमा सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। इस डिप्लोमे से आप इस डिप्लोमा का आप साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि आप जब भी कोई प्रोफेशनल कुछ भी करते हैं, मान लीजिए आप एक लोको पायलट हैं या फिर एक कोई आप एक पायलट हैं एरोप्लेन के, दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि आपकी समय समय पर ट्रेनिंग होती है, तो ये भी एक उस ट्रेनिंग का ही भाग आप मान सकते हैं जो DSC का डिप्लोमा है। इसके DSC का डिप्लोमा करने से मैंने खुद जाकर ऑफिस के अंदर कन्फर्म किया है कि DSC के डिप्लोमे के द्वारा हम खाद बीज की दुकान नहीं कर सकते। दोस्तों कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दावा करती है कि 1 साल का डिप्लोमा हमारे पास से 20-25 हज़ार रुपये में कीजिए और आप खाद बीज की दुकान कर सकेंगे, उसके ऊपर भी मैंने खुद जाकर DD ऑफिस में कन्फर्म किया है, इस प्रकार की जो हमारी भारतीय सरकार है उसके द्वारा कोई भी परमिशन नहीं दी गई है, वो मात्र आप लोगों को ठगते हैं। तो कृपया इन लोगों से सावधान रहें जो 1 साल का, 6 महीने, 3 महीने का डिप्लोमा आपको ये कहकर बेच जाते हैं कि आप खाद बीज की दुकान कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद बात आती है प्रोसेस की, अगर आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी पूरी करते हैं आप BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc विद केमिस्ट्री, उसके अंदर आपका एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है प्रोसेस की, आप प्रोसेस क्या होता है खाद बीज के लाइसेंस बनवाने का। दोस्तों एक सामान्य सी प्रक्रिया है, अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो पूरी है तो उसके बाद बड़ी आसानी से आप खाद बीज का लाइसेंस बनवा सकते हैं। दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पर दोस्तों आपको एक अपने हाथ से लिखकर एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उनको कि मेरा नाम फला फला है और मेरी एजुकेशनल
क्वालिफिकेशन ये हैं और मैं अपने क्षेत्र में उस उक्त जगह पर जहां पर आप करना चाहते हैं किस नाम से आपके फर्म का नाम देना पड़ेगा, आपको उस फर्म के नाम से मैं खाद बीज और कीटनाशक विक्रय का एक दुकान खोलना चाहता हूँ, इसकी अनुमति मेरे को प्रदान की जाए। दोस्तों जब आपको DDA द्वारा उस चीज़ की परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद के आगे की प्रोसेस शुरू होती है। उसके बाद आपको आप जहाँ पर अपनी दुकान करना चाहते हो वहाँ का एक उस दुकान का एक प्रॉपर आपको नक्शा बना के देना पड़ेगा कि आपकी दुकान कहाँ लोकेशन है आपकी दुकान की, और आपको अगर आपका खुद की दुकान है तो मालिकाना हक के आपको सबूत देने पड़ेंगे, अगर आपकी किराए की दुकान है तो आपको एक किरायानामा देना पड़ेगा, और आपको दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी नॉमिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको सारे इकट्ठा करके एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, और उस फाइल को आप कॉमन सर्विस सेंटर CSC के ऊपर लेके जाएंगे। दोस्तों CSC के ऊपर वो आपकी एप्लीकेशन प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रजिस्टर्ड कर देगा, उसके बाद आपका चलान जनरेट होगा। दोस्तों चलान आप ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। चलान के लिए दोस्तों जो हमारा खाद का लाइसेंस है 1350 रुपये के आसपास का उसका चलान है, सीड्स का 1000 रुपये के आसपास का चलान है, और 1000 रुपये के लगभग का अपना पेस्टिसाइड का चलान है। दोस्तों वो चलान कुछ मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस प्रकार का होता है। ये मैंने 1310 रुपये का फर्टिलाइजर्स का चलान अभी पे किया था जस्ट एक दो महीने पहले। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का चलान पे करना पड़ेगा उसके बाद आपकी फ़ाइल तैयार हो जाएगी, आपको फिर DDA ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ जाने के बाद आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा और आपको वहाँ से एक रिसिप्ट मिल जाएगी कि आपका जो अप्लीकेशन है वो ले ली गई है, और कुछ दिन के बाद आपको जो आपके लाइसेंस है बीज का, खाद का, फर्टिलाइजर्स का लाइसेंस मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए इनकी एक्सपायरी डेट की तो दोस्तों इनकी लाइसेंस की जो एक्सपायरी डेट है वो फर्टिलाइजर्स के अंदर हमारे 3 साल की होती है, और पेस्टिसाइड के अंदर 2 साल की, सीड्स के अंदर भी लगभग 3 साल के बीच की इनकी एक्सपायरी डेट होती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई, आपने लाइसेंस अप्लाई कर दिया, आपका लाइसेंस बन के आ गया, तो उसके बाद आपको सीड्स की या पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर शॉप करने के लिए उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों उसके बाद का प्रोसेस ये होता है दोस्तों, खाद बीज और कीटनाशक आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर आते हैं। दोस्तों इनकी आप ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते, इनको आप कहीं भी स्टॉक नहीं कर सकते, या फिर इनको प्रिंट से ज़्यादा नहीं सेल कर सकते। दोस्तों अगर बात की जाए उसके आपकी शॉप करने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। दोस्तों आपको शॉप करने के बाद आपको जो आपका आप जितना भी खाद बीज या आपका जो कीटनाशक है आप होलसेल से आप परचेज करते हो, या अगर आपने किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है फिर आप उसके बाद आप सेल करते हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको उसका एक पूरा प्रॉपर एक इस प्रकार से आपको एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि आपको फला तारीख को इतना स्टॉक प्राप्त हुआ और इतना स्टॉक आपने सेल किया। दोस्तों इस रजिस्टर के शुरू के ये रजिस्टर इस प्रकार से सर्टिफाइड होना चाहिए। दोस्तों इसके ऊपर लिखा जाता है कि इट इज सर्टिफाइड दैट टोटल नंबर ऑफ पेजेस, इसके अंदर कितने पेज हैं, जैसे इस रजिस्टर के अंदर 50 पेज है, 1 to 50 इन दिस रजिस्टर, दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर एंड करेक्ट, ये आप लिख के आप दोगे, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफिसर है आपका वो इसके ऊपर स्टैंप लगाएगा और साइन करेगा। दोस्तों इस ही रजिस्टर के अंदर आप अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, ये नहीं है कि आप कोई भी रजिस्टर लिया और आपने स्टॉक मेंटेन कर दिया, और प्रत्येक 90 दिन के अंदर एक बार आपको DDA ऑफिस जाकर आपके सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड का स्टॉक रजिस्टर वहां जाकर आपको चेक करवाना पड़ता है। दोस्तों ये तो हो गई ऑफलाइन स्टॉक की बात, उसके बाद फर्टिलाइजर्स की अगर आप शॉप करते हैं तो उसके अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों ऑनलाइन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको इस प्रकार की एक पोस्ट मशीन दी जाएगी, जिसका एक अलग प्रोसेस है, लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होलसेलर के पास जमा करवाने पड़ते हैं, उसके बाद आपको ये ईजिली मिल जाएगी। दोस्तों इस पोस्ट मशीन के अंदर क्या होता है, दोस्तों इसके अंदर आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, आप जब भी होलसेल में आप खाद परचेज करोगे, फर्टिलाइजर्स परचेज करोगे, तो जब भी आप वहाँ से खाद लोगे तो वहाँ से एक बिल नंबर आप जिसको कह सकते हो वो आपका जनरेट होगा और आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा,
जो मैसेज आपको इसके अंदर डाल के ओके करना है, फिर इसके अंदर भी प्रॉपर स्टॉक दिखाएगा और जितने भी आपके पास फार्मर आएंगे उनका आप पहले आपको इसके अंदर आधार कार्ड नंबर आपको फीड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनका अंगूठा या उंगली के निशान लेने पड़ेंगे, फिर ही आप खाद सेल कर सकते हो। ये नहीं है कि या कोई भी आया और आपने उसको खाद दे दी। दोस्तों उसके बाद बात की जाती है सैम्पलिंग की। इस बिजनेस के अंदर आप ये नहीं है कि आपने माल ले लिया और आपने सेल कर दिया। दोस्तों समय समय पर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर है आपकी शॉप पर आएंगे, आपका स्टॉक चेक करेंगे, आपका स्टॉक रजिस्टर चेक करेंगे, आपके लाइसेंस चेक करेंगे, आपकी अथॉरिटी चेक करेंगे और आपकी सैम्पलिंग भी ली जाएगी। आप जितने भी प्रोडक्ट्स आप खाद बीज और अपना कीटनाशक बेचते हो तो गवर्नमेंट ऑफिसर किसी भी समय आपके किसी भी प्रोडक्ट का सैंपल ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आपको दुकान के अंदर एक ऐसी जगह पर आपके तीन लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी चिपकानी पड़ेगी जहां पर अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आए तो वो इजीली उनको देख सके। आपको दुकान के अंदर एक स्टॉक बोर्ड मेंटेन करना पड़ेगा जिसके ऊपर प्रत्येक दिन का स्टॉक आपको लिखना पड़ेगा उसके ऊपर, और एक आपको प्राइस लिस्ट भी आपके दुकान के अंदर लगानी पड़ेगी जिससे आपके फार्मर और गवर्नमेंट ऑफिसर आसानी से देख सके कि आप किस प्राइस पर जो आपका माल है वो सेल कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप ज़्यादा बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर की अलग रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए आप जो हमारे आपके नियरेस्ट जीएसटी का काम करते हैं उनके पास जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार आप खाद बीज और कीटनाशक की दुकान कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। दोस्तों खाद बीज की अगर शॉप की बात की जाए तो दोस्तों खाद बीज एक नेसेसरी गुड के अंदर आती है, तो ये तो हो नहीं सकता कि अगर आपने शॉप कर ली तो आपका माल बिकेगा नहीं। लेकिन जो मैंने पहले बातें बताई थी आपको, वो सारी टर्म एंड कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी उसी जगह आपकी लोकेशन की, आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपका कितना प्रॉफिट मिलेगा, आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों जिस प्रकार एक पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप का जो मालिक होता है वो एक स्पेशल पर्सन होता है, लेकिन उसको जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी गाइडलाइन के अंदर ही काम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ही खाद बीज और कीटनाशक की दुकान है, आप इस प्रकार खाद बीज और कीटनाशक की दुकान कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाली वीडियो में आपको इस प्रकार की नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।